बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि इंटरनेट काम कैसे करता है। आज के लेक्चर में हम एड्रेसिंग स्कीम्स और उसकी टाइप्स की डिटेल्स आपको प्रोवाइड करेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, पिछले लेक्चर में हमने आपको बताया था कि एक ISP यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है जो कि आपके कंप्यूटर तक इंटरनेट की सर्विसेज को लेकर आता है। दोस्तों, सुनने में तो ये बात बहुत आसान लग रही है, लेकिन यहाँ उसको एक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। अब फ्रेंड्स, अगर आपके एरिया में एक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है जो कि एरिया में मौजूद 20 घरों तक इंटरनेट लेकर आ रहा है, तो अब मान लें कि एक ही टाइम पर अगर आप टाइप करते हैं youtube.com अपने कंप्यूटर से, और जो आपके पड़ोस में कंप्यूटर है उसका जो ओनर है वो टाइप करता है facebook.com, तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को क्योंकि दोनों रिक्वेस्ट एक साथ मिलेंगी, जिसकी वजह से उसे कैसे पता लगेगा कि कौन सी रिक्वेस्ट किस कंप्यूटर से आई है। तो दोस्तों, वो परेशान हो जाएगा और गलती से आपका डाटा सेंड कर देगा पड़ोस वाले कंप्यूटर में, और पड़ोस वाले कंप्यूटर का डाटा सेंड कर देगा आपको, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि कौन से कंप्यूटर ने रिक्वेस्ट सेंड की है। तो इस प्रॉब्लम को हल करने के लिए बनाई गई है एड्रेसिंग स्कीम्स। और दोस्तों, ये देखिए, इन एड्रेसिंग स्कीम्स एवरी कंप्यूटर हैज यूनिक एड्रेस एंड दैट कैन बी कॉन्टेक्टेड ऑन दिस एड्रेस। यानी एड्रेसिंग स्कीम्स में हर एक कंप्यूटर को एक एड्रेस दे दिया जाता है। और दोस्तों, अब जब हर एक कंप्यूटर को एक एड्रेस मिल जाएगा, तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को अगर एक साथ 10 रिक्वेस्ट भी आ जाएंगी तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि हर एक रिक्वेस्ट के साथ उसका एड्रेस होगा। तो ISP उस कंप्यूटर की रिक्वेस्ट को फुलफिल करके डेटा उसी एड्रेस पर ही भेजेगा। फॉर एग्जाम्पल, आपके कंप्यूटर का एड्रेस है 2 और आपने रिक्वेस्ट की है YouTube की, तो ISP के पास सिर्फ आपकी रिक्वेस्ट नहीं जाएगी बल्कि साथ के साथ आपके कंप्यूटर का एड्रेस भी जाएगा। देन ISP आपकी रिक्वेस्ट देखेगा, फिर YouTube से डेटा लाकर आपके एड्रेस 2 पर भेज देगा। तो दोस्तों, इस तरह जब भी कोई कंप्यूटर इंटरनेट से कनेक्ट होता है तो उसे एक एड्रेस दे दिया जाता है, और वो एड्रेस ही फिर उस कंप्यूटर की नुमाइंदगी करता है, और उस एड्रेस के बिहाफ पर ही तमाम कंप्यूटर्स उससे कम्युनिकेट करते हैं, डेटा को सेंड और रिसीव करते हैं। विच मीन्स कि जितने भी कंप्यूटर्स इंटरनेट से कनेक्ट होंगे, इंटरनेट उनको एक एड्रेस दे देगा। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक वर्ड यूज हुआ है यूनिक एड्रेस का, यानी यूनिक के मानी होते हैं अलग, बिल्कुल मुख्तलिफ। विच मीन्स कि जो भी एड्रेस किसी कंप्यूटर को असाइन किया जाएगा वो दूसरे कंप्यूटर से मुख्तलिफ होना चाहिए, ताकि उस यूनिक एड्रेस की बिना पर ही एक कंप्यूटर के पास उसी का डाटा पहुंच सके। जिस तरह आपके घर का एड्रेस होता है और जो कि आपके एरिया में मौजूद दूसरे घरों से मुख्तलिफ होता है, और पोस्टमैन उसी पर आपको लेटर्स और पार्सल्स लाके देता है, यानी आपके उसी अलग एड्रेस के बिना पर ही आपको तमाम चीजें मौसूल होती हैं। बिल्कुल ऐसे ही जो यूनिक एड्रेस आपके कंप्यूटर का होगा, इंटरनेट भी उसी एड्रेस पर आपको तमाम डेटा सेंड करेगा। तो डियर फ्रेंड्स, ये कहलाती है एड्रेसिंग स्कीम्स, जिसमें हर एक कंप्यूटर को एक अलग एक यूनिक एड्रेस असाइन किया जाता है। और एड्रेसिंग स्कीम्स भी दो तरह की होती है, IP एड्रेसिंग और DNS एड्रेसिंग। IP एड्रेसिंग, दोस्तों, IP एड्रेस स्टैंड्स फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, यानी जब भी आप इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं तो हर एक कंप्यूटर पर एक प्रोटोकॉल असाइन होता है, विच इज इंटरनेट प्रोटोकॉल। और इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या है दोस्तों, इसमें हर एक कंप्यूटर को एक यूनिक एड्रेस दिया जाता है। जैसे कि अभी मैंने आपको पहले भी बताया कि जब भी कोई कंप्यूटर इंटरनेट से कनेक्ट होगा तो उसको एक यूनिक एड्रेस दिया जाता है, और दोस्तों वो ही एड्रेस दरअसल कहलाता है IP एड्रेस। दोस्तों, ये न्यूमेरिक एड्रेस होता है, यानी सिर्फ और सिर्फ नंबर्स पर मुश्तमिल होता है, और ये देखिए, इसका फॉर्मेट कुछ इस तरह से होता है। दोस्तों, यहाँ NNN रिप्रेजेंट कर रहा है एक 8 बिट के नंबर को, विच मीन्स कि जो पहला NN है वो है 8 बिट का। 8 बिट मीन्स के 2 की पावर 8, यानी इसकी जो रेंज होगी वो 0 से लेकर 255 तक की होगी। और दोस्तों, इसी तरह डॉट के बाद जो दूसरा NNN आपको नजर आ रहा है
वो भी 8 बिट का होगा। इसी तरीके से ये जो आपको बंचेस ऑफ n n n नजर आ रहे हैं, ये तमाम बंचेस 8 बिट के होंगे। और अगर हम इनका टोटल साइज देखें तो ये बनेगा 32 बिट, विच मींस कि जो आईपी एड्रेस किसी भी कंप्यूटर को असाइन होगा उसका टोटल साइज होगा 32 बिट्स। और फ्रेंड्स याद रखिए, इसमें हर एक नंबर की जो रेंज होगी, फॉर एग्जांपल अगर यहां पर कोई नंबर होगा तो वो 0 से स्टार्ट होना चाहिए और 255 तक की उसकी रेंज होनी चाहिए, यानी इसके बिटवीन होना चाहिए, ना ही वो 0 से कम होना चाहिए और ना ही 255 से ज्यादा होना चाहिए। तो आईपी एड्रेस क्या होगा, वो इस तरह के फॉर्मेट में होगा, उसको डॉट से जो है वो सेपरेट किया जाएगा और जो ये जो एन 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 आपको नजर आ रहा है, ये 0 से लेकर 255 तक के दरमियान जितने भी नंबर्स होंगे उन पर ही सिर्फ मुश्तमिल होगा। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, ये दो कंप्यूटर्स हैं, तो अगर ये इंटरनेट के थ्रू एक दूसरे से बात करना चाहते हैं तो इंटरनेट इन दोनों कंप्यूटर्स को अलग अलग आईपी एड्रेस दे देगा इस तरह से, और तभी ये दोनों आपस में बात कर सकेंगे, क्योंकि ये आईपी एड्रेस ही पूरे इंटरनेट पर इनकी शनाख्त करेगा। अब आईपी एड्रेस भी दोस्तों दो तरह के होते हैं, स्टैटिक और डायनेमिक। तो दोस्तों अगर आप कोई सर्वर देखते हैं जैसे कि youtube.com, facebook या फिर yahoo या कोई भी ऐसी ऑथेंटिक और बड़ी वेबसाइट है, तो उनके आईपी एड्रेसेस स्टैटिक होंगे, यानी फिक्स्ड होंगे, आप उनको तब्दील नहीं कर सकते और ना ही वो तब्दील हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप अपने ब्राउजर पर टाइप करते हैं http://192.168.100.1, तो ये टाइप करते ही आप जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे तो आप डायरेक्ट गूगल के पेज पर जाएंगे, क्योंकि ये गूगल का आईपी एड्रेस है जो कि स्टैटिक है, ये हमेशा फिक्स रहेगा जब तक कि गूगल चाहे। यानी इसका बताने का मकसद ये है कि जो बड़े बड़े सर्वर्स होते हैं, जो बड़ी बड़ी वेबसाइट्स होती हैं, वो यूजुअली अपने आईपी एड्रेस जो है वो चेंज नहीं करती हैं, तो आमतौर पर उनके आईपी एड्रेसेस चेंज ना होने पर स्टैटिक होते हैं, वो हमेशा सेम होते हैं। इसके बाद है जो दूसरा आईपी एड्रेस की टाइप है, वो है डायनेमिक आईपी एड्रेस। तो सो डायनेमिक आईपी एड्रेस हमेशा बदलते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जब भी आप इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जिसके पास लाखों आईपी एड्रेसेस एक जगह पड़े होते हैं, वो वहां से एक आईपी एड्रेस लेता है और आपको दे देता है। अब आप उस आईपी एड्रेस के जरिए दूसरे कंप्यूटर्स के साथ कम्युनिकेट करते हैं इंटरनेट पर, और जैसे ही आप इंटरनेट से डिस्कनेक्ट होते हैं तो आईएसपी आपसे वो एड्रेस वापस ले लेता है। लेकिन अगर इसके थोड़ी देर बाद अगर आप दोबारा इंटरनेट से कनेक्ट होंगे तो आईएसपी आपको वही पुराना आईपी एड्रेस, जरूरी नहीं है कि वही पुराना आईपी एड्रेस दे, बल्कि वो आपको एक नया आईपी एड्रेस दे सकता है, विच मींस कि ये एड्रेसेस डायनेमिक होते हैं। यानी जब भी आप इंटरनेट से कनेक्ट होंगे तो आपको हर बार हो सकता है कि एक नया आईपी एड्रेस दे दिया जाए। इसीलिए दोस्तों ये देखिए, अ होम मशीन दैट इज डायलिंग अप थ्रू अ मोडेम ऑफन हैज एन आईपी एड्रेस दैट इज असाइंड बाय द आईएसपी। यानी जब भी आप अपनी होम मशीन से मोडेम के थ्रू इंटरनेट पे कनेक्ट होते हैं तो आईएसपी आपको एक आईपी एड्रेस असाइन कर देती है। व्हेन द मशीन डायल इन, जब भी आपकी मशीन डायल इन करेगी, यानी जब भी इंटरनेट से कनेक्ट होगी, दैट आईपी एड्रेस इज यूनिक फॉर दैट सेशन। दोस्तों याद रखिएगा, उस सेशन के लिए जब आप कनेक्ट होंगे तो जो एक सेशन क्रिएट होगा तो उस सेशन के लिए आपका आईपी एड्रेस बिल्कुल यूनिक होगा, एक अलग होगा। इट मे बी डिफरेंट द नेक्स्ट टाइम द मशीन डायल इन। और ऐसा भी हो सकता है कि अब आप जब दोबारा कनेक्ट हो इंटरनेट से तो हो सकता है अब आईएसपी जो आपको आईपी एड्रेस दे वो पहले वाला ना हो बल्कि उससे मुख्तलिफ हो, या ऐसा भी हो सकता है कि ये वही आईपी एड्रेस हो। तो डियर फ्रेंड्स, इससे हमें एक बात ये पता चली कि आईएसपी के पास एक पूल होता है, जैसे कि आप ये देख सकते हैं कि आईएसपी के पास एक पूल होता है जहां तमाम आईपी एड्रेसेस पड़े होते हैं, और जो भी कंप्यूटर इंटरनेट से कनेक्ट होना चाहते हैं तो आईएसपी अपने पूल में से एक एड्रेस निकाल कर उस कंप्यूटर को दे देती है। तो दोस्तों ये याद रखिए कि अगर जो भी इसके पास फ्री आईपी एड्रेस पड़ा होगा वही ये अपने कंप्यूटर्स को देगी। तो ऐसा हो सकता है कि अगर आप जो है वो इस आईपी एड्रेस से पहले कनेक्ट हुए हो, उसके बाद आप डिसकनेक्ट हो गए हो, और अब जब दोबारा आप कनेक्ट हो
और ये आईपी एड्रेस फ्री हो तो आपको यही आईपी एड्रेस मिल जाए। और ऐसा भी हो सकता है कि ये आईपी एड्रेस इस कंप्यूटर को असाइन हो गया हो और जब आप जब दोबारा से इंटरनेट से कनेक्ट हो तो आपको कोई और आईपी एड्रेस जो कि फ्री हो वो आईएसपी आपको असाइन कर दे। तो दोस्तों ये थी आईपी एड्रेसिंग। इसके बाद जो नेक्स्ट स्कीम है वो कहलाती है डीएनएस एड्रेसिंग। डीएनएस स्टैंड्स फॉर डोमेन नेम सर्वर। दोस्तों पहले डीएनएस एड्रेसिंग नहीं थी बल्कि सिर्फ एक ही एड्रेसिंग स्कीम थी विच इज आईपी एड्रेसिंग, जिसकी वजह से अगर आपको किसी वेबसाइट से डाटा को एक्सेस करना है, किसी कंप्यूटर से डाटा को एक्सेस करना है, तो आपको उन तमाम वेबसाइट्स और कंप्यूटर्स के आईपी एड्रेसेस को याद रखना होता था। और जब तक आप यूआरएल पर सही आईपी एड्रेस टाइप नहीं करते थे तब तक आप उस वेबसाइट तक रसाई हासिल नहीं कर सकते थे। अब डियर फ्रेंड्स, आप लोग तो जानते हैं कि आईपी एड्रेस सिर्फ और सिर्फ नंबर्स पर मुश्तमिल एक कोड होता है और हर वेबसाइट के लिए एक अलग कोड याद रखना लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो गया था। फॉर एग्जाम्पल, आपको YouTube ओपन करना है तो उसके लिए इस तरह का आईपी एड्रेस याद करना होगा। इसी तरीके से अगर आपको Facebook एक्सेस करना है तो Facebook का आईपी एड्रेस याद करना होगा। इसी तरीके से Yahoo, Gmail, यानी जो भी वेबसाइट आप एक्सेस करना चाहते हैं उसका आपको आईपी एड्रेस याद रखना होता था। और फ्रेंड्स, क्योंकि ये आईपी एड्रेस सिर्फ नंबर्स पर ही मुश्तमिल थे तो लिखते हुए गलती के चांसेस भी बहुत ज्यादा थे। तो इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए एक और एड्रेसिंग स्कीम बनाई गई विच इज डीएनएस एड्रेसिंग। दोस्तों डीएनएस एड्रेसिंग के जरिए आपको हर एक वेबसाइट का आईपी एड्रेस याद रखने की जरूरत नहीं थी बल्कि अब हर एक सर्वर को डीएनएस एड्रेसिंग के जरिए एक ह्यूमन रीडेबल नेम दे दिया गया था। और अब आप यूआरएल पर आईपी एड्रेस के बजाय उस सर्वर का नेम लिखेंगे, जैसे गूगल के आईपी एड्रेस के बजाय google.com, इसी तरीके से फेसबुक के आईपी एड्रेस के बजाय facebook.com। दोस्तों ये बिल्कुल ऐसा ही है जिस तरह आप अपने मोबाइल फोन में हर एक नंबर किसी न किसी नाम से सेव कर लेते हैं, क्योंकि नंबर्स के बजाय नामों को याद रखना ज्यादा आसान होता है। बिल्कुल ऐसे ही आईपी एड्रेसेस को याद रखना मुश्किल होता था, इसीलिए हर एक आईपी एड्रेस को एक नेम दे दिया जाता था और वो नेम कहलाता है डोमेन नेम। दोस्तों अब जब आप अपने यूआरएल पर उस सर्वर का डोमेन नेम लिखेंगे तो डीएनएस एड्रेसिंग उस डोमेन नेम को सबसे पहले रिकर्सिव नेम सर्वर को देगी। रिकर्सिव नेम सर्वर उसके बिहाफ पर जो भी आईपी एड्रेस होगा वो आईएसपी को देगा और आईएसपी फिर आपको डेटा लाकर देगी। तो इस तरह डीएनएस एड्रेसिंग काम करता है। यानी दोस्तों यहाँ पर आप रिकर्सिव नेम सर्वर को वो नेम देंगे और रिकर्सिव नेम सर्वर के पास बहुत सारे डोमेन नेम्स होते हैं और उन डोमेन नेम्स के सामने उनके आईपी एड्रेसेस होते हैं, तो वो उस नेम को मैच करता है। मैच करने के बाद उसके सामने जो भी आईपी एड्रेस होता है वो आईएसपी को दे देता है या आपको दे देता है। आप वो डोमेन नेम, आप वो आईपी एड्रेस आईएसपी को देंगे, आईएसपी इंटरनेट के जरिए उसका डाटा आपको लाकर दे देगा। तो दोस्तों इस तरीके से डीएनएस काम करता है। और दोस्तों किसी भी सर्वर का डोमेन नेम दो चीजों पर मुश्तमिल होता है, होस्ट नेम एंड डोमेन। जैसे कि youtube.com है तो यहाँ YouTube जो कि डॉट से पहले है, यानी ये जो चीज जो डॉट से पहले होती है ये कहलाती है होस्ट नेम, और डॉट के बाद वाली चीज जो है वो कहलाती है डोमेन। यानी ये कहलाएगी होस्ट नेम और ये कहलाएगा डॉट के बाद वाला डोमेन नेम। और दोस्तों डोमेन नेम रिप्रेजेंट करेगा कि होस्ट नेम किस टाइप का है। जैसे डॉट के बाद अगर gov है तो ये रिप्रेजेंट करेगा कि ये जो वेबसाइट है आपकी ये गवर्नमेंट की वेबसाइट है। अगर .edu आएगा तो ये एजुकेशनल यूज के लिए है। इसी तरीके से हर एक वेबसाइट का डोमेन नेम ये बताता है कि ये वेबसाइट किस यूज के लिए है। जैसे .com है तो ये बताएगा कि ये कमर्शियल यूज के लिए है, ये .info है तो ये बताएगा कि इंफॉर्मेशन यूज के लिए है। तो डियर फ्रेंड्स, ये थी एड्रेसिंग स्कीम्स जो कि आपके हर एक कंप्यूटर को जब भी वो इंटरनेट से कनेक्ट होता है तो उसको एक यूनिक एड्रेस दिया जाता है। और अगर वो आईपी एड्रेस है तो वो आईपी एड्रेसिंग कहलाएगी, और अगर हम उसी आईपी एड्रेस को कोई नाम दे देंगे, कोई ह्यूमन रीडेबल नेम दे देंगे, तो वो डीएनएस एड्रेसिंग कहलाएगी। दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे एक नया टॉपिक विच इज वेब ब्राउजिंग। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।